मैं बताना चाहूंगा कृष्णा अभिषेक, कृष्णा अभिषेक जो मेरे बस दिल वाले कलाकार हैं, और मैं चाहूंगा कि दो शब्द, दो क्या चार लोग, सर ये सबको कहते हैं दो शब्द कहो और ये खुद 10-10 फिल्में बनाते रहते हैं। सर मैं धोनी में 12 शब्द कहूंगा। मनोज जी के साथ ये मेरी चौथी फिल्म है, फिर हम लोग कई सालों से एक दूसरे को जानते भी हैं, तो ये हमेशा कुछ ना कुछ एक है ना, इस तरीके का एक ट्विक सब्जेक्ट होता है ना, वो हमेशा लेकर आते हैं। तो ये जो फिल्म है ये भी कॉमेडी फिल्म है, इट्स अ हॉरर कॉमेडी, इट्स अ वंडरफुल सब्जेक्ट। बस शर्मा जी की लग गई, उनके साथ मैंने की थी लेकिन वो लगी नहीं, लॉटरी लग गई, मतलब इनकी तो वैसे भी आज इनके लिए लॉटरी लगी, तो इनके लिए आज सबसे बड़ा दिन है कि तीन फिल्मों के मुहूर्त है। मनोज जी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। अब और क्या कहें, अभी तो आप लोग जब खत्म हो जाएगी फिल्म तो फिर आप लोगों को बुलाएंगे, आप कुछ और क्या, ये पहला डायरेक्टर दे रहा हूँ, पूरा आर्टिस्ट का चार्ट लेके घूमा। अरे वाह। अब मैं बुलाना चाहूंगा सुगंधा मिश्रा प्लीज, जो बहुत इन तीनों की बड़ी केमिस्ट्री नजर आएगी आपको, कृष्णा सुगंधा और ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा लेकिन ढाल कॉमेडी। सुगंधा दो शब्द, दो के चार भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं होगा। हेलो हेलो सर, पेमेंट करवाओ पहले, पैसे वैसे दे ना, साउंड वाले माइक, ये सिर्फ मेरी आवाज आती है, ये स्पेशल माइक है मेरे लिए, खास है। आप आप ऐसी बोलिए, ऐसे ही अच्छी माइक में लगता है कि पहली बार अपनी आवाज में मैं बस हो जाऊं, पकड़ के रखूंगा तो आवाज आएगी। नहीं थैंक यू सो मच, आई एम वेरी हैप्पी, और जब सीरियसली आवाज आ रही है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ फिर कि कृष्णा के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। हमने ड्रामा कंपनी साथ में किया था, 6-7 महीने हम लोग साथ में थे, और मिथुन दा हमारे जो थे वो जज थे उस शो पे, तो कमाल की बात है कि मिथुन दा भी हमारे साथ हैं फिल्म में। सो That's also a great opportunity for us again. मैं दादा को हमेशा बोलता था कि दादा चलो टीवी पर तो हमने साथ में किया, दादा के साथ फिल्म करनी है, तो वो चलो मनोज जी ने पूरा कर दिया। फिर अमित जी के साथ भी बहुत मन है काम करने का। सेंटर में आ जाओ, सेंटर में आ जाओ, हाँ आवाज आएगी। तो जब मनोज जी से मिली मैं, उन्होंने कॉन्सेप्ट सुनाया और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और मैं अभी बता नहीं सकता नहीं ना, अच्छा तो बस आप देखो फिर ये बोलोगी देखना, और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा मैं मेरा क्यों बंद, नहीं बट जनरली मनोज जी जब आए थे ये सब्जेक्ट लेके, तो हमारा डिसीजन था, हमारा मतलब मनोज जी का ही था एज अ डायरेक्टर, इन्होंने कहा सुगंधा, एंड सुगंधा इज अ वंडरफुल एक्टर, आप लोगों ने टेलीविजन पे देखा है, इतना एंटरटेन करती है, शी इज सो प्रिटी। हमने बोला यार सुगंधा का अभी तक डेब्यू नहीं हुआ है फिल्म में, तो दैट इज व्हाई वी वांटेड सुगंधा फॉर द फिल्म, सो थैंक यू फॉर डूइंग द फिल्म। थैंक यू सो मच कृष्णा, सीरियसली अभी कोई मजाक वाला थैंक यू, सच्ची वाला थैंक यू कि मुझे बहुत अच्छा लगा कृष्णा जी। हाँ एक और दोस्त, हेलो एक और दोस्त है राजीव ठाकुर, राजीव आ जा राजीव। हेलो, हम लोग जो अभी कर रहे हैं कपिल शो, उसमें भी राजीव ऐसे थोड़ा टाइम बच गया था, तो यहाँ पर भी टाइम लगा दिया ठाकुर ने आने में। ठाकुर कैसा लग रहा है अभी, फॉर फर्स्ट टाइम आई थिंक ठाकुर ने पंजाबी फिल्में की हुई है, बट हिंदी आपकी पहली फिल्म है, सच में माइक इसके लिए काम कर रहे
ये हर जगह जाकर पैसे दिया था पहले एडवांस में लोगों को भी सर मेरे लिए काम करना। मनोज सर ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया इसमें टेक्निकल जी के साथ मेरी दूसरी फिल्म है जैसा कि वो बता रहे हैं।
पहली का ऑलमोस्ट सामान रेडी है, वी वर्किंग ऑन द पोस्ट राइट नाउ। खली बली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर कॉमेडी है, एक बहुत ही अच्छा सेटअप है, जो कि मतलब शहर के लड़के हैं लेकिन इवेंचुअली हाउ दे गो टू अ विलेज एंड व्हाट हैपेंस देयर, ऑब्वियसली सारी कहानी तो नहीं बता सकते, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं जो अंदर हैं, एंड ओवरऑल आई डोंट फील दैट सबके साथ काम करके बहुत मजा आएगा, एंड ही इज अ सुपर टेक्नीशियन, बिकॉज ये एक या दो कैमरा से तो कम बात ही नहीं करते हैं, तीन कैमरा से करते हैं काम, तो विद अ थ्री कैमरा सेटअप इज हाउ ही वर्क्स, एंड सो विच हेल्प्स एन आर्टिस्ट, क्योंकि यू नो आप एक एक दो दो टेक्स के अंदर ही आप काफ़ी कुछ मतलब ही सॉर्ट ऑफ गेट्स ऑन, एंड ही इज अ सुपर एडिटर, तो उस एंगल से बहुत फर्क पड़ता है कैरेक्टर को, उनको एग्जैक्टली पता है कि उनको क्या चाहिए आर्टिस्ट से, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन। थैंक यू रजनीश। अब मैं बुलाना चाहूंगा जो मेन लीड एक्ट्रेस है इसमें, कायनात अरोड़ा। ये बहुत डिफरेंट फिल्म है कायनात के लिए, और रोज फिल्म में ही वो बहुत हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं, और अब कहूँगा बताइए फिल्म के बारे में कायनात। First of all, I'm absolutely privileged to be working with Manoj sir, and it's a huge honor because I've always been a huge fan of comedy and horror at the same time, and it was a beautiful opportunity for me where I am getting to play both horror and comedy at the same time. You all must have seen Scream, you must have seen Bulbulaiya. I have loved those films, so I thought this is a kind of a platform where I'm getting to perform on a different level altogether. कुछ ऐसा जो मैंने जिंदगी में पहले किया नहीं था, और इस फिल्म में मुझे करने का मौका मिल रहा है, और बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, काफ़ी सस्पेंस है, थ्रिलर है, और इस कैरेक्टर के इधर गिधर कैसे ये लोग सब भागते हैं और खली बली होती है वो तो आपको फिल्म देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा, बिकॉज आई कैनॉट रिवील द स्क्रिप्ट राइट नाउ, बट येस आई एम एब्सोल्युटली थ्रिल्ड एंड प्रिविलेज्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल सेटअप, and looking forward to shoot with you, sir. So it's a huge script for me and a brilliant performance. Thank you so much. राजोची साहब का बहुत अलग अंदाज, हमने हमेशा अलग अलग अंदाज से देखे ही हैं,
लेकिन इस बार फिर कुछ अलग करना है और मैं चाहूंगा दो शब्द यही दोहराना चाहूंगा कि ये जो कि राजू जी को आप एक नए अंदाज में देखेंगे, ये सुनने में लगता है कि हाँ ये कुछ रेगुलर सी बात कर रहे होंगे, लेकिन ये रेगुलर बात बिल्कुल नहीं है और जलवे आपको दिखाए जाएंगे जब बुद्धिया पर तैयार हो जाएगी कुछ बात तो है पास और श्री कृष्ण आ चुके चल रहे